हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर वन के अंदर ही जयपुर के कछवाहा शासक। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जिस तरीके से हर एक चैप्टर के अंदर एक पैराग्राफ में ही जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इंक्लूड किए हैं, तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आंसर जो है उनको भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन वन है, कछवाहा वंश अपनी उत्पत्ति मानते हैं। कछवाहा वंश अपनी उत्पत्ति मानते हैं तो वो किससे मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कछवाहा वंश की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कछवाहा वंश की उत्पत्ति कुर्म नामक रघुवंशी शासक से हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो जो कछवाहे थे वो सबसे पहले चौहानों के सामंत थे और कछवाहों को ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए बड़ गुर्जर और मीणाओं इनसे संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, ढूंढाड़ प्रदेश में कछवाहा वंश का नवीन राज्य स्थापित किसने किया? ढूंढाड़ प्रदेश में कछवाहा वंश का नवीन राज्य स्थापित किसने किया? तो वो थे दूले राय, जिन्होंने 1137 ईस्वी में कछवाहा वंश में नवीन राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइव, कछवाहा वंश की पहली राजधानी कौन सी रही, यानी दूले राय ने सबसे पहली राजधानी किसे बनाया? तो इसका आंसर है दौसा, दौसा को उन्होंने पहली राजधानी बनाया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सिक्स, कछवाहा प्रारंभ में किसके सामंत थे? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कछवाहे जो थे वो चौहानों के सामंत थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेवन, किस कछवाहा शासक ने सबसे पहले जमुआ रामगढ़ पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया? तो वो दूले राय ही थे जिन्होंने पहले अपनी राजधानी जो है वो दौसा को बनाया, उसके बाद जमुआ रामगढ़ पर भी अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये दूले की तरह ही सजे धजे रहते थे, इसीलिए इनका नाम जो है वो दूले राय रखा था। क्वेश्चन एट है, किस कछवाहा शासक ने आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो आमेर को जो राजधानी बनाते हैं मीणाओं को परास्त करके, वो है कछवाहा शासक कोकिल देव। उन्होंने 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि दूले राय ने 1137 ईस्वी में कछवाहा वंश की नवीन राज्य स्थापित किया, उन्होंने सबसे पहले दौसा को राजधानी बनाया, उसके बाद उन्होंने किसको बनाया था राजधानी? जमुआ रामगढ़ को। नेक्स्ट 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने मीणाओं को परास्त किया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? तो मैंने चैप्टर जब पढ़ाया था तो आपको तीन चार बार ये चीज जो है वो आपको लर्न करवाई थी कि जो राजा भारमल थे उन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, इन्होंने अधीनता अकबर की स्वीकार की थी, तो ये सबसे पहले राजपूत शासक थे। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था? तो इन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1562 ईस्वी में किया था, किसके साथ? अकबर के साथ। अकबर अजमेर यात्रा पर जाते समय सांभर में कब आए थे? या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अकबर का अजमेर यात्रा कब की, अकबर ने अजमेर यात्रा कब की? तो जनवरी 1562 ईस्वी में ही अजमेर यात्रा जो है वो अकबर ने की थी और तभी ये भारमल से मिले थे। वह कौन राजपूत राजकुमारी थी जो अकबर से विवाह करने के बाद मरियम उज्जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? तो यहां पर आपको ऑप्शन जो है वो मिल सकते हैं, हरकाबाई, मानबाई। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा, अकबर ने विवाह करने के बाद जो हरकाबाई था, हरकाबाई थी, उनका नाम मरियम उज्जमानी रखा। ठीक है, ये कछवाहा वंशी थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, भगवान दास आमेर के शासक कब बने? तो देखा हमने कि सबसे पहले भारमल, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, उसके बाद उनके बेटे भगवान दास, ये भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, इनके बेटे जो मान सिंह आएंगे वो भी स्वीकार करेंगे, ठीक है। भगवान दास आमेर के शासक कब बने? 1573 ईस्वी में। कब बने थे? 1573 ईस्वी में भगवान दास आमेर के शासक बने। जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर है कि जहांगीर अकबर और कछवाही राजकुमारी हरकाबाई, इनके बेटे थे। नेक्स्ट है, भगवान दास ने अपनी पुत्री मानवाई का विवाह किसके साथ किया था? तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जब अकबर जहांगीर शाहजहां दे दिया जाए और पूछा जाए कि भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया था। तो देखिए, हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ, भारमल के जो बेटे भगवान दास थे उन्होंने अपनी बेटी मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था 1585 ईस्वी में। कछवाहा नरेश मानसिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, ये किसने लिखा था? तो यहाँ पर ऑप्शन में यदि मानसिंह का ही नाम आ गया तो वहां गलती कर बैठेंगे, क्योंकि मानसिंह ने भी मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था। तो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ये भी मानसिंह ने ही लिखा होगा, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर होगा जगन्नाथ, ठीक है। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली लिखा जगन्नाथ ने और मान प्रकाश ग्रंथ लिखा मानसिंह ने। जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया था? जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए, मानसिंह की रानी जो कंकावती थी, इन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, मानसिंह किन मुगल सम्राटों की सेवा में रहे? राजा मानसिंह किन मुगल सम्राटों की सेवा में रहे? तो ये रहे दो मुगल सम्राटों की सेवा में, अकबर और उनके बेटे जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक कब बने? मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक जो हैं कब बने? तो ये 1621 ईस्वी में आमेर के शासक बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, मिर्जा राजा जयसिंह किन मुगल बादशाह की सेवा में गए? मिर्जा राजा जयसिंह किन मुगल बादशाह की सेवा में रहे? तो ये रहे हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों मुगल बादशाह की सेवा में रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी राजा मानसिंह की, तो वो अकबर और जहांगीर, इन दो मुगल बादशाह की सेवा में रहे। वहीं मिर्जा राजा जयसिंह, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीन मुगल बादशाह की सेवा में रहे। इसके बाद हम देखेंगे कि एक और शासक थे जो जिन्होंने मुगलों के सात शासकों की सेवा में वो रहे थे, यानी सात सुल्तानों का काल उन्होंने देखा था, तो वो आएंगे सवाई जयसिंह, ठीक है। याद रखना है कि जो सवाई जयसिंह, उन्होंने सात सुल्तानों का काल देखा, मिर्जा राजा जयसिंह ने तीन मुगल बादशाह की सेवा में रहे ये, और राजा मानसिंह जो है वो दो मुगल सम्राटों की सेवा में रहे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, अकबर के रणथंभौर अभियान में 1569 ईस्वी किसे मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने भूमिका निभाई थी? तो रणथंभौर अभियान में सुरजन हाड़ा को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने में राजा मानसिंह ने भूमिका निभाई थी। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह किसके पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गए थे? तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पूछा दूसरे तरीके से गया है। तो देखिए, जब हमने देखा था अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए, हमने देखा था चार शिष्टमंडल, कौन से? एक शिष्टमंडल था जिसमें चार लोग थे, जमा भट्टो के नाम से याद किया था, ठीक है। तो याद करिए, दूसरा प्रस्ताव लेकर कौन गए थे? मानसिंह। और किसके पास गए थे? महाराणा प्रताप के पास गए थे। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गए थे।
मुगल काल में दक्षिण में मलिक अंबर के खिलाफ अभियान में किसे भेजा गया? मुगल काल में दक्षिण में मलिक अंबर के खिलाफ अभियान में किसे भेजा गया? तो मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया 1623 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1629 ईस्वी में उत्तर पश्चिम में उज्बेकों के विद्रोह को किसने दबाया? तो यहां दबाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को तो आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। अभी जयपुर के कछवाहा शासक जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है वो और भी बाकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।